तो नारद मुनि और भगवान भोलेनाथ फिर जंगल में आ जाते हैं। तो
भगवान जब ऐसे वो देखते हैं कि साक्षात शंकर भोलेनाथ सामने है, तो उसको इतना अच्छा अच्छा लगता है कि मुझे जो भगवान का मुझे भगवान देखने का था तो आज मुझे प्रसन्न हो गए भगवान। तो बोलते मैं आज भाग्यशाली हो गई कि आपको मुझे आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो बोलते भगवान बोलते कि चलो मैं आपको छोड़ देता। वो बोले आप भी मत छोड़ो, मुझे छोड़ने के लिए कौन आएगा, मेरा गुरु आएगा, आप भी मत छोड़ो। अरे भगवान बोलते ये कैसे, मैं तो भगवान हूँ, मैं बोलते आपको ने गुरु को मुझे छोड़। तो भगवान भोलेनाथ बोलते हैं नारद मुनि को, बोलते हैं आप जाओ चोर किधर है उसको ढूंढो और उसको इधर लेके आओ। अभी नारद मुनि खोजने के लिए जाता है तो चोर को पकड़ के लाता है, वो भी उधर चोरी करता था किधर को, उधर से पकड़ के इधर लाया। तो फिर वो बोलते कि गुरु, उसको बोलते कि गुरु आपने जैसा मुझे यहाँ पे रखा खड़े रहने के लिए बोल दिया, वैसे मैं अभी तक हूँ, जो आपके आपने जो बोला था वैसे मैं कर रही। तो फिर वो शर्मा गया, क्या वो चोर क्या हुआ शर्मा गया, फिर वो उसने आके छोड़ दिया। तो मतलब क्या है कि गुरु ने उसको छोड़ दिया, तो उसने उसको मालूम था कि भगवान का दर्शन भी हो गया ना उसको, उसको मालूम था अगर भगवान का दर्शन करना है तो गुरु कोई ना कोई तो मुझे चाहिए, चाहे चाहे वो अच्छा हो बुरा हो लेकिन गुरु होना चाहिए। तो मतलब सक्सेस आपको सक्सेसफुली भगवान मिलने के लिए आपको गुरु रूपी डेवलपमेंट से चाहिए, बराबर। तो मतलब सक्सेस मिलने के लिए गुरु